राजा आज हमारे लेमिंगटन रोड पे इंफिनिटी गैजेट में और ग्राफिक कार्ड के साथ रेट निकालने आए और ऑल टाइप के आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे, इनो TDK के और GTX MSI अलग अलग वेरियंट आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएगी। और चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, मैं चैनल नए वीडियो डालता हूँ, सब इंटरव्यू देखने मिल जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट मुंबई का भारत ब्लॉग। इन्फिनिटी गैजेट में तो अमन भाई कैसे हो? बस एकदम बढ़िया भाई। तो अमन भाई जो बेसिक ग्राफिक कार्ड है उसका प्राइसेस बताओगे मेरे को? ग्राफिक कार्ड तो बहुत है बट जो बेसिक ग्राफिक कार्ड है वो स्टार्ट होते हैं 2200 रुपीज से, जो कि आता है 1GB में। 210 कार्ड्स आते हैं 2200 में। उसके बाद जो कार्ड्स आते हैं वो आते हैं 610 सीरीज भी इसके आसपास की प्राइसिंग चलती है। और उसके बाद जो ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग आती है वो आती है 710 की। 710 जो प्राइस है, 710 प्राइस आपको 3200 रुपये से स्टार्ट होता है। बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे ये देखो, ये आ गया 210 सीरीज जेब्रोनिक का। अभी इसमें 730 सीरीज भी आती है आसूस में। तो 730 सीरीज 4GB और 2GB वेरिएंट में आती है। 4GB वेरिएंट अगर आपको चाहिए तो 5200 रुपये की आपको मिल जाएगी 730 सीरीज में। और अगर आपको फिर 1050 सीरीज जाना चाहते हो ऐसे, मतलब 1050 सीरीज लेटेस्ट सीरीज है, लेकिन उससे पहले 1030 एक आता है ग्राफिक कार्ड, जो कि गेमिंग ग्राफिक कार्ड मेरे पास पड़ा होगा स्टॉक, मैं आपको दिखा दूंगा। 1030 जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको दे दूंगा मैं 6500 रुपीज में 2GB वेरियंट के साथ। 4GB वेरियंट अगर उसमें चाहिए तो 8200 रुपये का आएगा 1030। जितने भी ग्राफिक कार्ड है तो उसका मेरे को खाली प्राइजेस बताओ, प्राइजेस और उसका मतलब रैम कितना है, GB कितना है, सब मेरे को प्राइजेस बताओ। और जिनको गेमिंग पीसी बिल करना है, जैसे कि नॉर्मल बेसिक हो गया, फिर उसके बाद बेसिक हाई गेमिंग पीसी बिल करना है, तो उसके लिए क्या प्राइस रहेगा? देखो, जो बेसिक गेमिंग पीसी अगर बिल्ड करते रहते हो, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। अगर आप विद ग्राफिक कार्ड के साथ जाना चाहते हो तो 30,000 में भी हो जाता है, लेकिन ग्राफिक कार्ड कौन सा 2GB 710 या फिर 610 वाला लगता है। अगर आप नॉर्मल बेसिक के लिए, अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहते हो, प्रोफेशनल गेमिंग करना चाहते हो, तो मिनिमम 1050 Ti लगता है। तो आप 1050 Ti के साथ जाना, वो 4GB वेरिएंट में ग्राफिक कार्ड आता है। और ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग आज की डेट में स्टार्ट हो रही है 17,000 रुपीज से। और अगर 4GB वेरिएंट में उससे ऊपर के अगर सीरीज में जाते हैं तो 1650 सीरीज आती है। 1650 सीरीज में आपको बता दूं, जैसे ये गैलेक्सी की ये सीरीज है, 1650 उसी एडिशन वाली ये सीरीज आती है, और इसकी प्राइसिंग रहती है 21,000 रुपीज। 1650 ये भी 4GB वेरिएंट के साथ, या GST के साथ मिलेगा, ऑल इंक्लूसिव है विद GST के साथ सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग है। उसका भी डिसकंटिन्यू हो गया, अभी 1650 से ऊपर नहीं मिलता है स्टॉक कहीं पे भी। 1660 आता है, फिर 1660 में देखिए, जैसे 1660 में तीन वेरिएंट आते हैं। एक 1660 Ti आता है, और एक 1660 सुपर आता है, और एक नॉर्मल 1660 आता है। 1660 अगर की मैं बात करूँ तो आपको 6GB वेरिएंट में आता है, 6GB वेरिएंट वाले एक कार्ड है। 33,000-34,000 से प्राइसिंग स्टार्ट होती है। और अगर 1660 Ti की अगर मैं बात करूँ तो 1660 Ti आपको इसके ही अराउंड देखने को मिल जाता है, लाइक 35-40 के बीच में आपको मिल जाएगा। और 1660 सुपर अगर आपको चाहिए तो 36,500 में आपको मिल जाएगा। अच्छा। ये सारे इसके बाद आते हैं 1050 Ti। यस, 1050 Ti कितने का मिलेगा? 1050 Ti का मैंने भी प्राइस बोल चुका है ऑलरेडी। 1050 Ti जो प्राइसिंग है वो 17,000 रुपीज से स्टार्ट होती है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं 360 Ti। 3060 और 3060 Ti सीरीज वाइज में आऊंगा। 6GB वेरिएंट वाले मैंने आपको कार्ड बता दिए है। हाँ। अभी 8GB में कौन कौन से कार्ड आते हैं? 8GB में जो अभी लेटेस्ट आया वो आया है 3050। 3050 का जो कार्ड का प्राइसिंग है वो 34,500 से स्टार्ट हो रहा है। तो 8GB वेरिएंट है, आपको मैंने 2GB वेरिएंट भी बताए, 4GB वेरिएंट भी बताए, 6GB वेरिएंट भी बताया, अभी 8GB वेरिएंट भी आपको मैंने बता दिया। ये आता है 34,500 रुपीज से स्टार्ट होता है। अब अगर उसके ऊपर की बात करें, 3050 के बाद की जो सीरीज आती है 3060 जो ग्राफिक कार्ड है वो गैलेक्सी का स्टार्ट हो जाएगा 49,500 रुपीज से। अगर आपको 3060 Ti चाहिए तो 3060 Ti आपको मिल जाएगा 55,000-53,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा 3060 Ti। तो गाइस, जितने भी आपको ग्राफिक कार्ड जितने भी प्राइसेस बताए, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, जब नए नए वीडियो डालता हूँ सब देखने मिल जाएगा। तो टेक केयर एंड मुंबई कर भावेश ब्लॉग।